हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जरूर उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। और अभी टाइम हुआ है सुबह का 5 बज गए और हम कर रहे हैं तैयारी। हमको कहीं जाना है इसलिए मैं लगी हूँ पूरी जोर जोर से तैयारी। और मैंने सिर धो लिए और नहा भी लिया इतने जल्दी, क्योंकि हमें जाना है कहीं घूमने के लिए। तो इसलिए हम लोग मैं जल्दी जल्दी में लगी हुई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि खाना बना के हम ले जाएंगे, क्योंकि सुबह इतने जल्दी तो कोई खा नहीं पाएगा। और ले जाएंगे अपने साथ, अच्छा अच्छा लगता है। रास्ते में कहीं भी खाना खाते हैं तो अपने घर का अपने हाथों का बना हुआ अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं फटाफट से लगी हुई काम में। और सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी। पहले मैंने नहाया धोया उठ के, क्योंकि मेरे बाल सूख जाएंगे, बाल मुझे धोने ज़रूरी थे, क्योंकि मेरी थी तबीयत ख़राब। इसलिए मैंने आलू की पूरी बना रही हूँ और उसमें डाल दिया मैंने सब कुछ। आलू मैंने पहले बॉईल कर लिए थे और कद्दूकस कर लिए थे। सब मसाला मैंने आटे में मिला लिया और आटे में को अब आटे में ही मिला के आलू आटा गूंद दूंगी, क्योंकि अलग से पूरी भरते हैं तो उसमें अच्छे से पूरी टूट जाती है, बीच से डर रहता है टूटने का, निकलने का आलू का मतलब। और अगर आटे में ही आलू गूंथ लेंगे तो उससे बड़ी सॉफ्ट और अच्छी पूरियाँ बन जाएंगी आराम से। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली, धनिया, हरी मिर्च, सौंफ, मेरा मतलब सूखे मसाले मैंने सब इसमें मिक्स कर दिए। और अब इसको गूंद लेते हैं आटे को अच्छे से। बिल्कुल ज़्यादा आलू होने चाहिए इसमें, तभी ये सॉफ्ट बनेगी, नहीं तो ये टाइट भी बहुत हो जाती है। वैसे भर के बीच में बनाते हैं तो वो निकल जाते हैं आलू, तो इसलिए मैंने सोचा मैंने आटा ही गूंद लिया इसका पूरे का करके। अब मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में, कढ़ाई में तेल मेरा हो गया। अब मैं पूरी बेल लेती हूँ, पूरी बड़ी अच्छे से बेल रही है। और एक साइड रख दी मैंने चाय बननी, क्योंकि के ताऊ जी आए हुए हैं, मतलब हमारे जेठ जी, उनको खाने के लिए दे दूँगी और अपने ले जाने के लिए तैयार कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और जल्दी भी जाना भी जल्दी है, बहुत दूर जाना है, क्योंकि फिर आजकल दिन छोटे होने लगे, सर्दी भी बहुत है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो सुबह उठ के जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं और फिर आराम से कहीं जाएंगे। और तेल में कढ़ाई में से ले रहे, क्योंकि सर्दियों की बात है ना ये, सर्दियों में कढ़ाई में से तेल ले लेते हैं, गर्मियों में नहीं ले पाते, अलग रखना पड़ता है। और अब सर्दी में हाथ जलते ही नहीं, बड़े आसानी से तेल ले लेते हैं। मैंने सोचा चलो दूसरी कटोरी में क्यों लगा, और देखो कितनी अच्छी पूरी मेरी बनेगी, बिल्कुल भी एक भी नहीं टूटेगी। और मैंने उतारने वाली को साफ कर लूँ, क्योंकि धूल तो जमी जाती है, उसको कपड़े से पोंछ लेते हैं। और ये देखो कितनी फूल गई मेरी पूरी ना, बहुत अच्छे से फूल गई और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा बनी। ये खाने में ना इसे मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छी बनी थी। ये देखो कितना अच्छा कलर आ गया, बिल्कुल एकदम फिट बन गई। फटाफट से चलो बना लेते हैं इनको, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। और सुबह इतने जल्दी उठ के मैंने सर्दी में नहा धो भी लिया, क्योंकि जाने की ना कहीं खुशी अलग ही होती है, इसलिए मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और ये देखो कितना अच्छा कलर आ गया, बिल्कुल फटाफट से बना के गैस मैंने बंद कर दी, क्योंकि चाय मेरी बन के हो गई तैयार। डाल लेते हैं और उनके ताऊ जी को दे देते हैं नाश्ता, उनको दे दूंगी। अचार ले लिया, चाय और पूरी रख ली मैंने, उनको दे देंगे। जब तक वे खाएंगे फिर हम अपना तैयार हो जाएंगे। ये देखो मैंने ये पूरियां ना बिना आलू की बनाई, थोड़ी सी मैंने सोचा ना कभी कम ना पड़ जाए। वैसे आलू की बहुत है फिर भी कई कोई किसी को डाल भी देते हैं रास्ते में, कुत्ता उत्ता भी मिल जाते हैं बेचारे। मुझे ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि मैं ज़्यादा ही लेके जाती हूँ, जा भी जाती हूँ, आराम से खाए भी और किसी को खिलाए भी। वैसे तो कोई किसी का नहीं खाता, लेकिन अपने कुत्ते बिल्लिए तो मिल ही जाते हैं बेचारे। हम बिना बोलने वाले जानवर, उनको तो देना ही पड़ता है, वो आलू की खाए ना खाए। इसलिए मैंने थोड़ी सी वैसी भी बना ली, मैंने सोचा चलो ऐसी भी बना लेते हैं थोड़ी। और ना बर्तनों का स्टैंड आ हुआ है मेरा वीडियो में, ये भी फूली फूली पूरी बनी मेरी, बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगी थी, बिल्कुल एकदम खाने में सॉफ्ट सॉफ्ट।
ये आइडिया अच्छा है। पूरी में आलू मिक्स कर दो आटे में ही और बना दो, बार बार भरने का झंझट ख़त्म बिल्कुल। और सुबह सुबह ना इतने काम हो गए ना मुझे, बहुत ज़्यादा काम हो गए, इतने जल्दी उठ के भी हम लोग। और ये देखो बाल को मैंने सोचा खोल लूँ थोड़े, क्योंकि इनके ताऊ जी आए हुए हैं, वहाँ मैं कपड़ा नहीं उतारती सिर से, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ किचन में आ थोड़ा खोल लूँ। और अब मैं आ गई कमरे में, कान्हा जी को मैंने नहला दिला के कर लिया तैयार। अब कान्हा जी तो मेरे साथ ही जाएंगे, उनको नहला दिला के अब मैं और काम निपटा लूँगी अपने। बहुत काम होते हैं अकेली लेडीज को, बहुत काम हो जाते हैं सुबह के टाइम तो, और कहीं जाना हो तब तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने सोचा चलो निपटाया ही, मैं वहाँ किचन में रख के आई सामान, करके आई। यहाँ इसके ताऊ जी आ रहे, कुछ करवा रहे बेटे से ही मोबाइल में, क्योंकि इन्होंने लिया है नया मोबाइल, और अब इनसे बार बार कुछ बता रहे होंगे, बातें कर रहे हैं दोनों आपस में। और मैं तो फटाफट फटाफट, मुझे तो बहुत जल्दी लगी हुई है कि काम हो जाए, और मैं ही तो करने वाली अकेली, बेटा मेरा हेल्प करवा देता है वैसे। लेकिन सुबह देर में सोई, रात को अब हम पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। गए तो हम और जगह भी, लेकिन वो वीडियो नहीं डाल पाई मैं। अगर कोशिश हुई तो अगली वीडियो में मैं डाल दूँगी और दिखा दूँगी आप लोगों को मैं कहाँ गई थी। ये देखो कितना अच्छा है, और ये है मंदिर, ये देखो कितना अच्छा है मंदिर, बहुत बड़ा है। लेकिन वीडियो मैंने थोड़ी बनाई, क्योंकि मैं पहले इसकी पहले जा चुकी थी यहाँ, इसलिए। और हर जगह इतनी सारी वीडियो नहीं बनती। ये हमारे हनुमान जी हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत ही प्यारा, मतलब जालंधर का फेमस मंदिर है ये, बहुत अच्छा, देवी तालाब मंदिर बोलते हैं इसको। और यहाँ गई ये गैलरी, बहुत अच्छी इसमें। और ये देखो सामने शेर का मुंह बना हुआ है, दांत भी, इसमें जाना पड़ता है अंदर नीचे घुस के। पहले भी आए थे हम लोग यहाँ, इसको ताऊ जी को लाए हम दिखाने, ये बिल्ली गई यहाँ को, इधर को, ये बिल्कुल भी नहीं डरती बिल्ली यहाँ की ना, बिल्कुल नहीं डरती, एकदम फिट। और ये देखो ये घुस गई, ये ताऊ जी अंदर, पहले कह रहे भाई मैं नहीं जा रहा इसमें, फिर अंदर घुस गए। अब इसमें अंदर ना गुफा गुफा है अंदर, बहुत अंधेरा अंधेरा, फिर हम चले गए। और अब हम आ गए दूसरे रास्ते पे उधर, और ये दोनों ताऊ बेटा घूम रहे हैं, कह रहे कि ताऊ जी आप बनाओ अब वीडियो, क्योंकि उनको भी सिखाना है मोबाइल चलाना, फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, पूरी सिखा रहा है देखो। और ये घूम रहे हैं हम यहाँ को, चलो अंदर भी चल देते हैं थोड़ा। अभी देखो ये ऊपर पार्ट दिखा दे रहा है, और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट